अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। गुरुदेव सेवा आश्रम ट्रस्टचे अध्यक्ष श्री श्याम चैतन्यजी महाराज यांच्या वतीने जामनेर शहरातील नगर परिषद येथे महिला दिनानिमित्त महिलांचा सत्कार व सन्मान करण्यात आला। या कार्यक्रमाला जामनेर तालुक्याचे तहसीलदार अरुण शेवाळे, जामनेर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक किरण शिंदे आणि नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी भोसले यांच्यासह आदी मान्यवर उपस्थित होते। उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते महिला पत्रकार, नगर परिषदेतील महिला कर्मचारी तसेच नगर परिषदेच्या महिला सफाई कर्मचारी यांना सन्मानपत्र देऊन गौरवण्यात आले। त्याचबरोबर वस्त्रदान हे श्रेष्ठ दान असते म्हणत गुरुदेव सेवा आश्रम ट्रस्टचे श्याम चैतन्यजी महाराज यांच्या वतीने सर्व महिला भगिनींना साडी भेट स्वरूपात देण्यात आली। तर कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी गुरुदेव सेवा आश्रम ट्रस्टच्या सदस्यांनी परिश्रम घेतले। आज पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून स्त्रिया प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आघाडीवर आहेत, पुढे पुढे जात आहेत। पण त्याचबरोबर कुटुंब जपण्याचे सर्वात मोठे काम स्त्रियांना ते करावं लागत असतं। कार्यक्रम म्हटला की कार्यक्रमाला योग्य दिशा व नेतृत्वाची गरज असते। म्हणूनच आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन जामनेर पोलीस स्टेशनचे PI माननीय श्री किरण शिंदे साहेब यांनी आसन ग्रहण केलेलं आहे। तसेच प्रमुख पाहुणे हे कार्यक्रमाचे शान आहे। म्हणून जामनेरचे तहसीलदार माननीय श्री अरुण शेवाळे साहेब यांचं मी शब्दसुंगाने स्वागत करते आणि ते आसनस्थ झालेले आहे। त्याचप्रमाणे अरुण शेवाळे साहेब नगरपालिका अध्यक्षपदी माननीय श्री चंद्रकांत भोसले साहेब यांचं सुद्धा मी शब्दसुंगाने हार्दिक हार्दिक स्वागत करते। विवेकानंद दिया जिन्होंने पूरे देश में अपना नाम किया है।
उनके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज माँ जीजाऊ ने एक ऐसा हिरण रख दिया कि जो पूरे देश में हमारी हिंदू संस्कृति के लिए, हर संस्कृति के लिए उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है कि वो गए लेकिन आज भी उनका नाम अमर है। उसके बाद में माँ जयवंता बाई ने हमें महाराणा प्रताप दिया, जो सूर्य के बारे में आप सब जानते हैं, ज़्यादा विस्तार नहीं करना है अपने को, क्योंकि हमारे तहसीलदार साहब को बेटी गए, हमारे साहब भी बीजे है, सभी बीजे आज बात हम तो शॉर्टकट में बोलता हूँ मैं। बाद में हमारी सावित्री बाई फुले है, आप सब जानते हैं, और बाद में बाबा रामदेव जी को मानने वाले हमारे यहाँ काफ़ी भक्त है, तो डाड़ी बाई ऐसी होकी गई भगवान की भक्त बाबा रामदेव जी की, जो सर त्यांची शाटमध्ये अशी कथा आहे की डाळीबाई ह्या हरिजन समाजाच्या होत्या, तर तिथे जातपात खूप कसं चालत होतं, हिंदीमध्ये बोलतो, तर त्यावेळेस भगवान श्री रामदेवजी बाबांची ती अशी परम भक्त होऊन गेली की ज्यावेळेस भगवान श्री रामदेवजी बाबा समाधी घेत होते तर ती पहिले आली आणि ती म्हणाली की मी माझ्या भगवंताच्या अगोदर पहिले मी समाधी घेईल, तर डाळीबाईने बाबाजीच्या अगोदर समाधी घेतली। तर मित्रों, आज हमारे देश में हमारी माताओं को अपने बच्चों को संस्कार की अत्यंत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी पीढ़ी कहीं ना कहीं संस्कारहीन होते हुए हमारा देश कहाँ जा रहा है। जिन माताओं ने ऐसे ऐसे हीरा हमारे लिए देकर गए, और आज हमारी माताएं क्या कर रही है, हमारे बच्चों को क्या संस्कार दे रही है, आज ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं कि माँ बेटा को कितना सम्मान दे रहा है, बाप बेटा को कितना सम्मान दे रहा है, पति पत्नी में कितना समन्वय है, तो आज सब ये दिखाई दे रहा है कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी जैसा हो गया है। तो जब तक हमारे जीवन में सम्मान नहीं आता, जब तक हमारे जीवन में मर्यादा नहीं आती, जब तक हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं निर्माण होता, तब तक हमारे जीवन आनंद कैसे आएगा, हमारे जीवन में सुख समृद्धि कैसे आएगी। इसलिए आज ज़रूरत है कि हम एक ऐसे संस्कारवान, आज हम देखते हैं कि बाहर बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, युवा पीढ़ी किधर जा रही है, हर एक माँ ने यदि अपने बच्चों को, अभी हम बच्चों का स्टाइल देख रहे हैं कि वो बाल बढ़ाकर देवानंद बनना चाहते हैं, लेकिन वो माँ यदि उसको अच्छे संस्कार देकर विवेकानंद क्यों नहीं बना सकते। आज युवा पीढ़ी में हम जो संस्कारहीनता देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से सब चीज़ें, तो आज हम ये माध्यम से मैं सबको विनती करूँ कि आप मेरी माँ के समान हैं, मैं आपको क्या ध्यान दूँ, क्या दूँगा, लेकिन आप में इतनी ताकत है कि एक महिला राष्ट्रपति बन सकती है, तो क्या हम हमारे बच्चों को संस्कार देकर अच्छा विचारवान भी बना सकते हैं? एक महिला अंतराल में जाकर हेलीकॉप्टर चलाती है, क्या हम हमारे बच्चों को अच्छा संस्कार देकर एक अच्छा संस्कारवान, जब भी वो गाँव में जाता है तो एक पहचान बना सकता है कि नहीं मैं अमुक का बच्चा हूँ। आज जरूरी है कि ये संस्कार, जब तक संस्कृति है तब तक हमारी सभ्यता है, और बिना संस्कृति हमारा विनाश है। इसलिए अधिक समय न लेते हुए मुझे यहाँ एक सेवा करने का आपने अवसर दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि कोविड के समय में हम सब लोग हमारे घर में थे, लेकिन हमारी स्वच्छता करने वाली माताएं रोड पर क्या, हॉस्पिटल में क्या, इतना खतरनाक स्पॉट में जाकर कि जहाँ पति पॉजिटिव आ गया तो पत्नी जाने में डरती थी, या पत्नी पॉजिटिव हो गई तो पति जाने में डरती थी। हाँ, हमारी कर्मचारी महिलाएं अपने जीवन को धोखे में डाल कर उन्होंने सोचा था क्या, इसलिए उनकी जोरदार ताली बजाकर हमने अभिनंदन। इस माध्यम से जब जब मुझे आप तक पहुँचने का, और गुरुदेव सेवा आश्रम आपकी सेवा में कभी भी तैयार है, तत्पर है, आप आइए, आपका आश्रम है, बाबा रामदेव जी का भी बहुत सुंदर मंदिर बनने जा रहा है, वहाँ मंदिर का काम चालू है, तो वो आपका आश्रम समझ के, और मैं आपका बच्चा हूँ, आपको जब भी कोई ज़रूरत पड़े सेवा की, मैं आपकी सेवा में, मेरा ट्रस्ट पूरा का पूरा यहाँ आया हुआ है, हमारे ट्रस्ट के सदस्य है, तो मैं अधिक न बोलते हुए हमारे सब मीडिया वाले हैं, आपने आपका समय निकाल कर आए, अगर हमारे आभार को हमारे ट्रस्टी माननीय जी की तरफ से भी बोल दूँगी, तो हमारी मीडिया वालों के लिए भी धन्यवाद, और हमारे नगर पालिका के कर्मचारी अक्षर करके हमारे गजानंद भाई से मैं 8 दिन से पीछे पड़ा हूँ, लिस्ट से लेकर सारी व्यवस्था यहाँ की गजानंद भाई ने करी, इसलिए उनकी भी एक ताली बजा कर हमने तो मुझे आज प्रसन्नता है कि कहीं ना कहीं मैं एक छोटी सी सेवा लेकर आपके पास आया, और आपने उसको सम्मान से स्वीकार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मेरे दो शब्द मेरे गुरुदेव की श्री चरणों में समर्पित करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति। एक बोलने का रह गया, ये मेरी बेटी है अंजू पवार, तो वो भी अच्छा संचालन कर रही है, इसलिए उसका भी धन्यवाद करना चाहिए, ताली बजाकर।
असं करू, एकमेक करू, साई अवघे दुरुस्त पंत, जय श्री या बातमी तिथेच थांबूया. ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा. तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN न्यूज ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा. नमस्कार.